अगर आपको इमोशनल कनेक्शन चाहिए होता है या आपको किसी से इमोशनल कनेक्ट करना होता है तो आप कहाँ जाते हो? यूजुअली गर्लफ्रेंड, वाइफ और मॉम, राइट? और अगर आपको हाउस कनेक्ट चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? एक रियलिटर के पास। तो मैं ही आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं ही आपकी वाइफ हूँ, मैं ही आपकी मॉम हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। In terms of house connect, that means if you're looking for a brand new luxury home. आपके लिए इस बार मैं कॉर्नर यूनिट 215 का, जिसको शांतलोक 1 लेकर आया हूँ। नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है और सबसे बड़ी बात, 215 गज में हर एक फ्लोर को सेपरेट ड्राइववे, सेपरेट गेट मिलेगा। अभी ऑल फ्लोर्स आर अवेलेबल, सो टॉप फ्लोर इज अवेलेबल विद टेरेस गार्डन, कॉर्नर यूनिट। आप मिडिल फ्लोर भी लेते हो तभी भी आपको क्या कहते हैं, सेपरेट ड्राइववे मिलेगा। सो यू गेट 7 क्वार्टर, देन यू गेट सेपरेट ड्राइववे, कॉर्नर यूनिट, सो शांतलोक 1 में। पूरी वीडियो देखो, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। Start from the front balcony and I'm going inside the drawing room. So this is the drawing room. This is the highlighter wall. And ये हमारा LCD पैनल आ जाता है। यहाँ पे आपका LCD पैनल आ जाएगा। ये छोटी सी आपको क्रॉकरी सेक्शन के लिए टिंटेड ग्लास में पल्ले में आपको वार्डरोब दी गई है। ये आपका एक यहाँ पे डाइनिंग है, यहाँ पे खाली सोफा सेट आएगा आपका, डाइनिंग अलग स्पेस है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो दिस इज हाउ द होल ड्राइंग रूम लुक्स। अच्छा साइज है, कॉर्नर यूनिट है, स्पेशियस है, वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है, तो 3 साइड ओपन है, तो हवा ही हवा, धूप ही धूप, और सबसे बढ़िया बात टॉप टेरेस अवेलेबल है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ फ्रंट रूम में, ड्राइंग रूम से हम आ गए फ्रंट रूम में। रूम नंबर 1, अ वेरी गुड स्पेशियस रूम, जैसे 215 गज में हम देखते हैं, और वार्डरोब साइज बहुत सही दिया हुआ। आप देखो स्टोरेज कितनी सारी है, 1, 2, 3, 4, 5 पल्लों की। देन यू हैव अ ड्रेसिंग टेबल ऑल्सो, LCD पैनल भी बिल्डर आपको दे रहा है। देन ये वाली वॉल हमारी पूरी वॉलपेपर से, जो लेदर फिनिश वाला वॉलपेपर होता है ना, वो पूरा हमें दिया गया है इस वॉल पे। सिंपल फॉल सीलिंग, स्प्लिट एसी अभी लगने हैं। देन ये हमारी लॉबी आ जाती है। लॉबी के एकदम सामने ही इन्होंने डायमंड कट में आपको मिरर लुक दी गई है। एंड उससे बड़ी बात, इस रूम के साथ जो एडजॉइनिंग वॉशरूम है वो ये वाला है, इसकी एंट्रेंस रूम से भी है एंड ये कॉमन भी हो जाता है। देन दिस इज द अटैच वॉशरूम। जितनी भी फिटिंग्स और फिक्स्चर्स हैं वो हिंडवेयर एंड जैगुआर मिक्स है। एज द फ्लोरिंग आपको बाथरूम में भी वार्डरोब स्पेस मिलती है, एंड वो हमारा शॉवर क्यूबिकल आ गया। अगर मैं आपको यहाँ से, इफ आई टेक यू इन द रूम, दिस वॉज द फ्रंट रूम, सो एडजॉइनिंग वॉशरूम। So now let's get back to the area which is the dining or the family lounge area. ये area आपका dining और family lounge area बनता है। And ये हमारी temple space दी गई है corner पे। मैं आपको बता दूँ, मंदिर भी setup करके दिया गया है। Beautiful temple. So with that we have the open kitchen. यहाँ पे open kitchen दी गई है। Fully fitted modular kitchen है। Then you have the double sink,
यू हैव द चिमनी हॉक बाय केयर, ओवन आपको मिलेगा, पैंट्री स्पेस, डबल डोर फ्रिज की स्पेस, द पैंट्री सेक्शन, ये वाला जो स्पेस था मैं इसकी बात कर रहा था. सो देयर इज सेपरेट ड्रॉइंग डाइनिंग, सो वेरी गुड लेआउट एज पर 215 स्क्वायर यार्ड. And now let's check out the two rooms which are behind. So room number 2. This is the second room. इसमें आपको tinted black glass door sliders wardrobe मिलती है. पूरी wardrobes हैं आपके पास. And then corner में आप देखो, you have a dressing also. Back balcony, lush green view भी लेके जाता हूँ. Then you have the LCD panel. और इसके adjoining washroom आपको दिखाता हूँ. That's the adjoining washroom. ये वैनिटी हो गई. सो गुड साइज वॉशरूम. एंड इसके साथ हमें मिलता है पीछे बैक बालकनी एक्सेस. सो ये हमारा यूटिलिटी एरिया आ जाता है. बट लार्ज ग्रीन व्यू, आप व्यू देखो पीछे से, प्रॉपर ग्रीन व्यू. तो ये हमारा यूटिलिटी एरिया आ जाता है. यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन सब प्लेस होगी. सो नाउ द लास्ट एंड फाइनल रूम, वी आर बैक इन द लॉबी एरिया. ये पूरा पैसेज हमारा लॉबी एरिया है. सो दिस इज द थर्ड रूम. इसमें फॉल सीलिंग में आप देखोगे प्रोफाइल लाइटिंग दी गई है. देन अगेन ड्रेसिंग इन्होंने हर रूम में दिया है. दैट्स द वार्डरोब सेक्शन एंड दिस इज अवर एलसीडी पैनल. अब इसका वॉशरूम आपको चेकआउट करवाता हूँ. तो आपको हर रूम के साथ बैल्कनी एक्सेस मिलता है. इससे भी तो जिस बैल्कनी में थे पीछे हमारी ये बैल्कनी आ जाती है. दैट्स इट एंड वी विल एग्जिट फ्रॉम द मेन डोर. तो देखा आपने, आपको हमने क्या कहते हैं 215 गज का कॉर्नर यूनिट शोकेस करवाया है. इसमें आपको सारे फ्लोर्स अवेलेबल मिल जाते हैं. फिलहाल टॉप फ्लोर विद टेरेस गार्डन 2.95 सीआर नेगोशिएबल, मिडिल फ्लोर 2.60 सीआर ईच, देन उसके बाद जो अपर ग्राउंड है 2.75 सीआर नेगोशिएबल विद सर्वेंट क्वार्टर्स विद सेपरेट ड्राइववे. सो नेगोशिएबल है. कॉल मी ऑन द नंबर गिवन बिलो. आओ व्यू करो, बैंग ऑन, डील करवाते हैं आपकी. बट डोंट हॉप ऑन, उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी कम होगी. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, हास्ता ला विस्ता. ओ ओ ओ, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज. सी यू.